please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ में ब्रेक फेल होने से बेकाबू हुई सिटी बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। वहीं घटना के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर हालात पर काबू पाया। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, क्या जानकारी? देखिए, अब ये सिटी बस थी और जिस तरीके से अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिल पाई है वो ये कि इसका फेल हो गया था। स्टेशन की ओर ये जा रही थी और भीड़भाड़ वाले पूरे जो सिटी बस थी, चूंकि तो पूरे शहर के बीचों बीच के रास्ते से जा रही थी, ब्रेक फेल होने के कारण बर्लिंगटन चौराहे पर जो कि स्टेशन के पास है वहां अनियंत्रित हुई। पहले इसने अपने सामने कार को टक्कर मारी और कार पर टक्कर मारने के बाद पूरी तरीके से जो बस टेढ़ी हुई और एक साइड में जाकर एक टू व्हीलर को उसने टक्कर मारी और फिर उसके बाद एक खंभे से टकरा कर रुक गई। इस पूरे हादसे में चार लोगों को बस ने कुचल दिया था, जिसमें से एक की मौत हो गई। तीन घायल हैं जिनका इलाज ट्रामा में चल रहा है। फिलहाल तीन में से दो की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन एक अभी भी व्यक्ति खतरे में है, अभी भी वो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। उत्कर्ष, क्या ड्राइवर अभी तक गिरफ्तार हो पाया? ड्राइवर को कल ही अर्पिता मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था जब बस टकरा कर रुकी थी। उसके बाद जो आसपास भीड़ थी उन लोगों ने सबसे पहले ड्राइवर को पकड़ा और उसको पुलिस के हवाले किया, और उसके बाद जो आसपास जो डायल 100 की गाड़ियां थी उन्होंने प्रारंभिक तौर पर घायलों को अस्पताल ले जाया गया। शुक्रिया उत्कर्ष। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया है। साल मई में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस में एक बैठक के बाद दक्षिण कोरिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरियाई अधिकारी ने बताया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार है और आगे किसी तरह का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। नोएडा के आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तलवार दंपत्ति की रिहाई को चुनौती दी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को लगता है कि तलवार दंपत्ति के हक में दिए गए फैसले में जो बात सीबीआई के खिलाफ कही गई वो गैर जरूरी थी और गवाहों के बयान का कोर्ट ने ठीक परिपेक्ष में आंकलन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के निर्णय को उलटते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दोनों को दोषी नहीं मानते हुए तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ दिया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां हैं। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। केंद्र सरकार ने संसद से मौजूदा वित्त वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए करीब 85,315 करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी। हैदराबाद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ यूपी के लखनऊ में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। यूपी के फतेहपुर में 11 मार्च को होने वाले डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम को जिलाधिकारी ने इजाजत देने से मना कर दिया। आयोजकगणों को ये सूचित करवाते हुए ये उनका जो कार्यक्रम है उसकी अनुमति निरस्त कर दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर 80,000 की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में चारा काटने गई एक नाबालिग लड़की के रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जिहाद केस में हादिया और शफीन जहां की शादी को गैर कानूनी बताने वाले केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए उनकी शादी को कानूनी मान्यता दे दी। पीएन घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने सीबीआई को एक मेल भेजकर बताया कि अपनी बीमारी की वजह से वो भारत नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। राजस्थान के कॉलेजों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड लागू करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए वसुंधरा सरकार पर छात्र छात्राओं में भेदभाव करने का आरोप लगाया। सीपीएम ने बीजेपी और आईपीएफटी यानी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं पर त्रिपुरा में उनके पार्टी दफ्तर और कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक और मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ तौकीर को एटीएस जांच के लिए वडोदरा के जंगल में लेकर गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर को गोली मारकर घायल कर दिया।
पंजाब के लुधियाना में एक लड़के की खुदकुशी की खबर सुनकर छत से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लालू यादव ने महापुरुषों की मूर्तियां तोड़वाने के पीछे पीएम मोदी की साजिश बताया। लालू यादव ने कहा कि पीएम मोदी अपनी मूर्ति लगवाने के लिए महापुरुषों की मूर्तियां तोड़वा रहे हैं। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के सहकार ये सब मूर्तियां तोड़ी जा रही है जो देश के लिए आजादी के लिए सब लोग जो लड़े। विचार कोई भी है दुनिया में विचार फैलता फैलता लेनिन को गिराया मूर्ति गिराया ये बहुत अहंकार में डूबे हुए हैं। साउथ में जीवते लोग अपना मूर्ति लगाता है ना, तो नरेंद्र मोदी इन देश भर में तमाम मूर्तियों को ढहवा करके अपना मूर्ति लगाना चाहते हैं। लालू प्रसाद ने पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे ईवीएम की गड़बड़ी को वजह बताया। लालू यादव ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। मशीन का खेल चला दिया, ये मशीन को जल्दी बदलो बैलेट पेपर से वोट कर। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के दोनों विधायकों की हिरासत बढ़ी। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां और प्रकाश जारवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री महिला कोष बनाने की जानकारी दी, जिसके जरिए 50 साल से ऊपर की अविवाहित महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक के लिए बनाए गए अलग झंडे को मीडिया को दिखाते हुए बताया कि इसे अब आगे की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। एक गवाह की हत्या की सुपारी देने के मामले में आरोपी नारायण साई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शहर का कचरा ग्रामीण इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में फेंकने से रोकने को लेकर गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को योग सिखाया। पंचकुला हिंसा मामले की जांच में गुरमीत राम रहीम और उसके परिवार को शामिल करने की याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट 21 मार्च को सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गोवा हाईवे पर दो ट्रकों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के दौरे पर गई भारतीय महिला हॉकी टीम को मेजबान टीम ने 2-1 से हरा दिया। मेक्सिको में शूटिंग वर्ल्ड कप खेलने की वजह से 10वीं की बोर्ड परीक्षा न दे पाने वाले शूटर अनीश भानवाला की 3 पेपर फिर से कराने की अपील सीबीएसई ने मान ली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने महिला दिवस के मौके पर ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर महिलाओं को पुरुषों से बेहतर बताया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खेलों में लड़कियों को लड़कों के बराबर मौका देने की अपील की। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने बताया कि 2008 में विराट कोहली को टीम में मौका देने की वकालत करने पर बीसीसीआई ने उन्हें मुख्य चयनकर्ता पद से कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया था।